इस समय हम जौनपुर में हैं और आप देख रहे हैं यूपी भारत न्यूज, और हमारे साथ नवनीत यादव जी हमारे साथ हैं। सर, मछली सर का सर्वे का बात करेंगे हम आपसे, और इस समय भारतीय जनता पार्टी से बीपी सरोज यहाँ पे दूसरी बार टिकट पाए हैं, उनके बारे में आपका क्या राय है? अब उनके बारे में क्या बताएं हम कि वो कभी क्षेत्र में दिखबे नहीं किए। तो उनका कार्य क्या 5 सालों में खराब था? कार्य उनका बहुत खराब था, पूरे भाजपा वालों का कार्यकाल पूरा खराब था। मतलब जो कहे वो किए नहीं। क्या कहे और नहीं किए? अरे जो जो भी एजेंडा, यहाँ तक कि सब लोग कहे कि हम लोग ये देंगे वो देंगे, केवल जुमले जुमले करते गए और कोई काम नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी बीपी सरोज को प्रत्याशी बना के उतारी, समाजवादी पार्टी किसे प्रत्याशी बना रही है इस बार? समाजवादी पार्टी, अब वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है, जिसको पार्टी सिंबल पे चुनाव लड़ाएगी उसको जिताएंगे हम लोग। जो समाजवादी पार्टी से कभी झंडा नहीं पकड़ी है, तूफानी सरोज की लड़की प्रिया सरोज, उन्हें भी वो भी दावेदारी कर रही है पार्टी में। किससे? समाजवादी पार्टी इतनी छोटी पार्टी है, नहीं किसी भी व्यक्ति को टिकट दे दे? ऐसी कोई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हम लोग उसको बहुत बड़ी पार्टी। जो प्रिया सरोज कभी समाजवादी पार्टी से झंडा नहीं उठाई है, वो टिकट मांग रही है। अब टिकट कौन मांग रहा है, कैसे मांग रहा है, अब राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट देगा कि नहीं देगा, इसका तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार। अब की बार 400 हार। तो पूरे उत्तर प्रदेश से कितना सीट समाजवादी पार्टी निकाल रही है इस बार? समाजवादी पार्टी 80 सीटों पे लड़ रही है चुनाव। बनारस में मोदी भी हार जाएंगे इस बार? और क्या, हार ही जाएंगे, कोई काम है नहीं किए ये लोग, सिर्फ ईवीएम से जीत रहे हैं ये लोग। तो आपका कहना है कि ईवीएम में चोरी कर रहे हैं? और क्या, यही तो लड़ाई हो रही है, क्यों नहीं ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर ले आ देते? और मछली शहर में किसे टिकट मिले तो बेहतर होगा? आपके पास ऑप्शन है रागिनी सोनकर, तूफानी सरोज की लड़की प्रिया सरोज और संजय सरोज। हमारे यहाँ अगर समाजवादी पार्टी से कोई भी प्रत्याशी आएगा हम लोग उसको जिताएंगे। कोई भी पार्टी आएगा, कोई भी प्रत्याशी आएगा, आप जिताने का काम? जिताने का काम। तो गाजीपुर में क्या स्थिति रहेगी इस बार? गाजीपुर में तीनों सीट, उधर गाजीपुर की सीट तो अब तो आराम से निकलेगी। और दिनेश लाल तो निरहुआ बोल रहे हैं कि इस बार हम बहुत बम्पर ओटो से जीत रहे हैं, बहुत बम्पर ओटो से हारेंगे। वो अमरपाली कह रहे हैं कि इस बार हम, अमरपाली ओली का कुछ चलेगा नहीं वहाँ, अब की दिनेश लाल वहाँ बम्पर ओटो से हारेंगे। अजय राय का क्या स्थिति है बनारस में इस बार? अजय राय भी लड़ाई में रहेंगे, मोदी जी इस समय लड़ाई में नहीं रहेंगे ये समझ लीजिए। मोदी जी बनारस हार जाएंगे? बनारस से पूरी, पूरे बनारस वाले भी प्रयास कर रहे हैं मोदी जी हार जाए, कोई काम है नहीं किए हैं ये लोग। और यहाँ बेरोजगारी पे कोई काम? कृपा शंकर सिंह आए हैं, और उनका क्या स्थिति है इस बार? देख लीजिए क्षेत्र में, आप जब से टिकट लेके आए हैं वो कितना क्षेत्र में केवल बीजेपी वालों के यहाँ जाके वो काम कर रहे हैं, बस उसमें उनके यहाँ वही जा रहे हैं। तो और इस बार उनका स्थिति कमजोर है? कमजोर है हर जगह बीजेपी। कौन टिकट पा रहा है समाजवादी पे? ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। एक नंबर पे सर्वे में कौन आगे चल रहा है? बहुत लोग हैं, अब ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, लेकिन हम लोग समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं और हम लोग हर जगह लड़ाई में रहेंगे। समाजवादी पार्टी जिसे भी टिकट कहीं भी देता है आप लोग सहयोग करके जिताने का काम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भैया।